पहुंच गई बस में घर पे, और अब बना रही हूँ मैं चाय। और आज सच में आज का दिन पता नहीं कैसे निकलेगा। बहुत अच्छा था, याद आ रही है, बहुत याद आ रही है उसकी, बेटी की। और मैं चाय बना लेती हूँ, रोड उठ जाएंगे। मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और अब लगती हूँ मेरे काम के। वो गई ड्यूटी, बोले खाना मैं बाहर ही खाऊंगा, आज लेट हो रहे थे जो चले गए। मेरी वंशु की बनानी है और झाड़ू पोछा करना है, नाना धोना तो मेरा मैं करके आई थी तो करना नहीं है। चलो कर लेते हैं काम। तो बेटा वो अब की बार उसको यहीं पढ़ना, ऐसे क्यों कर रहा है, रोने बैठ जाता है। चुप हो जा, चुप, ऐसे नहीं करते, देख मम्मा भी रोने लग जाएगी ऐसे करेगा तो। चुप हो जा, चुप हो, चुप हो मिस्टर वंशु, चुप हो जा, चुप हो जा। देख कैसे रो रहा है अपनी बहन के लिए। हाँ वंशु, हाँ ऐसे मत रो बेटा, आज आज इधर आ, इधर आ, ऐसे थोड़ी करते। राजा बेटा तेरे को पता है उसका अबकी बार वही एडमिशन करा रखा है, ऐसे मत रो, बार बार हो रहा है। चुप हो जा, एक आना, चुप हो, चुप हो, चुप हो, बिल्कुल चुप हो जा, ऐसे नहीं करते, चुप हो जा, चुप हो जा। मिस्टी देखेगी फिर वो बोलेगी दादा भी लोल है, फिर वो ही रोने लग जाएगी। चुप हो जा, उसके एग्जाम होते ही ले आएंगे उसको। चुप हो जा बेटा, ये गानो, चुप हो जा, चुप हो जा। चुप हो तो आज जब भी ऐसे मतलब इसको बार बार याद आ रही है तभी रोने लग जाता है, फिर चुप कराती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद में रोने लग जाता है। बेटा चुप हो जा, बेटा मैं लेके भी आ जाती लेकिन अब की बार उसका वही एडमिशन करा रखा है, ऐसे नहीं करते, चुप हो जा, करना चुप हो मेरा बेटा। मिस्टी के जैसे तेरे को छोड़ के आए जब कैसे रहे तू बता, है तेरे पास तो यहाँ डेडी कम भी है, मम्मा भी है, वो तो नानी चा के पास है, उसको भी तो याद आ रही है। चुप उसे मत कर बेटा, कैसे नहीं करेगा बेटा। वंशु चुप हो जा, मेरा राजा बेटा है ना, चुप हो जा, अब की बार पक्का इस बार छोड़ दिया बेटा अपने, कोई मेरी मम्मा की कोई मजबूरी थी इसलिए छोड़ा था, ऐसे थोड़ी छोड़ती मम्मा, अब की बार ले आऊंगी मेरे दोनों बच्चों को मेरे पास ही रखूंगी मैं तो। मेरे लाडू बेटा वंशु, ऐसे तो मत कर यार बेटा, देख मैं भी रोने लग गई थी ना पहले, ऐसे बार बार रोने से क्या होगा, फिर उसको बार बार बोलेंगे रोएंगे जब, वो फिर वो कैसे रहेगी वहां। रो रहा है वंशु, चुप हो जाना है। इसके लिए मूंगफली कुछ भी नहीं खाया इसने, मूंगफली लेके आई इसके लिए, नमकीन चावल बनाए थे मैंने तो थोड़े बहुत खा लिए, इसने कुछ नहीं खाया, थोड़े से कोई एक दो चम्मच ली, फिर मैंने सोचा मैं चलो मूंगफली खा लेगा, मूंगफली लेके आई, गुड़ मूंगफली, वो भी नहीं खाई, एक दाना भी मुँह में नहीं लिया, फिर दो चार मैंने खा के फिर मैं भी रखी आई, मैं कि नहीं रहना तो मत रो वंशु, नाली सा फिर ऐसे तो मिस्टी को भेज तो देंगे लेकिन बेटा उसकी अब की बार का ऐसे ही साल चला जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसे थोड़ी करते हैं। चुप ही नहीं हो रहा, कितनी देर से कर रही हूँ, चुप हो जा, चुप हो जा, देख चुप हो, सिर दुखने लग गया मेरा तो ऐसे बस। अब सोइए, इतनी मुश्किल से सुलाया इसको,
मतलब रोते रोते चुप ही नहीं हुआ, चुप ही नहीं हुआ, मेरी और हालत ख़राब हो गई। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, इसको देख देख के रोना तो वैसे ही आ रहा था, रो और ज़्यादा आया। एक बार तो ऐसे हुआ कि बोल देती हूँ मेरे भाई को, किसी को भी छोड़ जाओ वापस। अरे ये तो करेगा अभी, ये तो 10-5 दिन तो करेगा, क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। उधर उससे बात करती हूँ तो वो बोलती है मम्मा कब आओगे कब आओगे। चलो ये सोया है, इसको सुलाया मैंने, थोड़ी देर में भी सो जाती हूँ।